subscribe my channel and hit the bell icon. एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने YouTube चैनल Shift India में। फ्रेंड्स इस सेफ्टी वीक यानी हम लगभग 3 दिन अपना विदा चुके हैं और आज है सोमवार यानी 7 मार्च। तो 7 मार्च को हमारा जो प्रोग्राम था, शेड्यूल था, वो था स्पेशल ट्रेनिंग का। तो हम समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक पे हम अपने वर्क प्लेस पर स्पेशल ट्रेनिंग कंडक्ट करा सकते हैं या ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो समझते हैं एक एक करके कि कौन सा वो टॉपिक है जिस पर हम अपने वर्कर को, अपने स्टाफ को अवेयर कर सकते हैं और थोड़ा और जागरूक कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वर्क एट हाइट। आप समझते होंगे कि ऐसा कोई भी काम जो ऊंचाई पर किया जाता हो और ग्राउंड लेवल से 1.8 मीटर ऊपर जब भी कोई काम होता है वो वर्क एट हाइट में कंसिडर होता है। उसके बारे में समझेंगे, ब्रीफ करेंगे कि क्या हजार्ड है, क्या प्रिकॉशंस लेना है, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, ये सब के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम फायर सेफ्टी के बारे में भी देख सकते हैं, ट्रेनिंग कंडक्ट करा सकते हैं। आपको किसी एक से दो टॉपिक पे ही अपने वर्क प्लेस पर एक दिन में स्पेशल ट्रेनिंग कंडक्ट कराना है जो गवर्नमेंट ऑफिसर द्वारा या कोई थर्ड पार्टी पर्सन हो जो उसमें उसका स्पेशलाइजेशन हो वो आके ट्रेनिंग दे सकता है। फायर सेफ्टी के बाद आप कन्फाइंड स्पेस की ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसमें कन्फाइंड स्पेस का प्रोसीजर क्या होता है, किसे कन्फाइंड स्पेस हम कहते हैं और उसमें क्या क्या हजार्ड होते हैं, इस सब के बारे में हमको ब्रीफली चर्चा करना है उसमें। उसके बाद हम बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के बारे में भी देख सकते हैं कि हमारे वर्क प्लेस पर हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम स्पेशल ट्रेनिंग कंडक्ट करा सकते हैं। एक्सकावेशन सेफ्टी के ऊपर हम करा सकते हैं क्योंकि मेजर पार्ट होता है कंस्ट्रक्शन का ये। उसके बाद स्काफोल्डिंग सेफ्टी का हम कर सकते हैं, लाइफ सेविंग रूल्स का कर सकते हैं, वर्क परमिट सिस्टम का कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये सब टॉपिक हैं, इस पर आप स्पेशल ट्रेनिंग कंडक्ट करा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब।